और अब अगली बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर रायपुर के गोंदवारा में फोम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बता दें कि पुलिस और शासन के अधिकारी मौके पर मौजूद, दो महिला कर्मचारी की मौत हो गई है। दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद है। बता दें कि आग बुझाने की कोशिश जारी है। खमतराई थाना क्षेत्र का ये मामला है। की बड़ी खबर हम आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर रायपुर के गोंदवारा में फोम फैक्ट्री में आग लग गई है। बता दें कि पुलिस और शासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, जिसमें दो महिला कर्मचारी की भी मौत की खबर है। बता दें कि दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद है और लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि खमतराई थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर फोम फैक्ट्री में आग लगी है। जैसा कि आप टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी भीषण आग लगी है फोम फैक्ट्री में, जिसमें दो महिला कर्मचारियों की मौत भी हो गई है। हालांकि दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद है और लगातार आग बुझाने की कोशिश जारी है। श्रीकांत यदु हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता रायपुर से। श्रीकांत, फोम फैक्ट्री में ये भीषण आग आखिर कैसे लग गई? बिल्कुल, ये काफी भीषण आग थी और काफी देर तक इस पर मशक्कत करनी पड़ी इस आग को बुझाने के लिए। आसपास के जो गोंदवारा इलाके में जो फैक्ट्री है, वहां से फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई। रायपुर में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उनको बुलाई गई और अभी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो मौके पर है। करीब 7 लोग, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही, 7 लोग उस दौरान वहां पर फैक्ट्री में मौजूद थे, जिनमें से 5 लोगों को शकुशल बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 2 जो महिलाएं थी, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, उर सरोना क्षेत्र के रहने वाली वो महिलाएं थी, उनकी उस आग में जलकर मृत्यु हो गई है। और अब जो तमाम प्रयास है आग बुझाने के वो किए जा रहे हैं। कलेक्टर मौके पर पहुंचे हुए थे, रायपुर के पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को वहां पर बुलाया गया था। और इस तरह से ये पूरी आग लगी है उसको लेकर अब जांच जो है वो की जाएगी कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, क्योंकि काफी भीषण गर्मी जो है वो राजधानी रायपुर में देखने को मिल रही है, तो ऐसे में छोटी सी चिंगारी से भी आग जो है वो बढ़ जा रही है। तो ये पूरा जो मामला है वो अब जांच के दायरे में आ गया और पुलिस और प्रशासन जो है वो अब इस पूरे मामले की जांच में जुट जाएंगे। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अब और बाकी जो अन्य उद्योग है, फैक्ट्रियां हैं या इस तरह की कंपनियां हैं, वहां पर आग दोबारा ना लगे इसको लेकर पूरे जो प्रयास हैं वो किए जाएंगे। प्रशासन भी अब पूरी तैयारी में जुट रही है, इन जगहों पर फायर सिस्टम जो है वो लगाया जाए, साथ ही साथ जो तमाम कवायद है वो अब पूरी करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। जी श्रीकांत, फोम फैक्ट्री में आग लगी है, हालांकि 2 महिला कर्मचारी की मौत भी हो गई है, तो फिर क्या कुछ नुकसान होने की भी आशंका है? कितना नुकसान हुआ है फैक्ट्री में, इसके बारे में? बिल्कुल, क्योंकि काफी बड़ा ये आग है और फोम में काफी जल्दी आग फैलती है, तो ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान की जो संभावना है वो जताई जा रही है। हालांकि अब कितना नुकसान हुआ है और किस तरह से वहां पर आग फैली है, ये तमाम जो चीजें हैं वो अब जब आग पूरी तरह से काबू पर पा लिया जाएगा, आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा, उसके बाद ये जो चीजें हैं वो क्लियर हो पाएगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। रुजबा की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर रायपुर के गोंदवारा में फोम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जैसे कि आप हमारे टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, जिसमें 2 महिला कर्मचारी की मौत की खबर भी है। दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद है और लगातार आग बुझाने की कोशिश जारी है। बता दें कि खमतराई थाना क्षेत्र का ये मामला है।